वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भाई यार अपना पिक्चर एडिट करने के लिए सबसे पहले जो अपना पीएनजी इमेज बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं और उसका बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं। तो गाइस मैं इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको दो जनरल तरीके बताने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करके अपना क्लियर HD पीएनजी इमेज बना सकते हैं और गाइस पिक्चर का बैकग्राउंड होता है वो गाइस आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। और गाइस इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और देखिए गाइस सिंपल कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पर डाउनलोड ए फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर गाइस आपको क्लिक कर देना है। तो देखिएगा यहाँ से आपने जो भी गैलरी में पिक्चर हैं सभी पिक्चर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको जिस पिक्चर को आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, पीएनजी इमेज बनाना है, तो वो गाइस आपको पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली गाइस मैं एक बार ये वाला पिक्चर है जो एक बार सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए गाइस कुछ इस तरह से हमारे पिक्चर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइस ये एरो है, आपको जिस पिक्चर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर क्रॉप कर सकते हो। कुछ इतना आपको यहाँ पर क्रॉप कर लेना है, जिस पिक्चर को आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है कुछ इस तरह से इसको क्रॉप कर लेना है और फिर गाइस सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ऑटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर गाइस क्लिक करना है और फिर गाइस यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है, तो इसको गाइस आपको जहाँ पर भी आपको जो भी गाइस आपका एक कलर का बैकग्राउंड हो उसको रिमूव करने के लिए सिंपली आपको इसको यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। इससे हमारा यहाँ पर देखिए ये बैकग्राउंड कुछ इतना यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और फिर गाइस आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको जिस जहाँ से आपको गाइस बेसिक रिमूव करना है कुछ इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो गाइस देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ को लाकर यहाँ से छोड़ देना है जिससे हमारा ये जो मैनुअल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड। और फिर गाइस आपको स्मूथ बैकग्राउंड इरेज करने के लिए यहाँ पर देखिए मैजिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर गाइस क्लिक करना है और फिर गाइस यहाँ से कुछ इस तरह से इसका यहाँ से इरेज कर सकते हो। और फिर गाइस दोनों उंगली से टैप करके कुछ इस तरह से पिक्चर को जूम कर लेना है और फिर गाइस यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो गाइस देखिए कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है अपनी पिक्चर के जो भी बैकग्राउंड इरेज करना है कुछ इस तरह से आप उसको ड्रॉ करना है। और देखिए गाइस कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो भी इसका लाइनिंग है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो भी एक कलर का लाइनिंग होगा वो इससे रिमूव हो जाएगा। तो फिर गाइस यहाँ पर देखिए आपको मैनुअल का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो देखिए जिस जगह से यहाँ पर इस मैजिक से रिमूव नहीं हो रहा है तो इसके लिए गाइस आपको मैनुअल पे क्लिक करना है और फिर गाइस कुछ इस तरह से आपको अपनी पिक्चर को फुल जूम कर लेना है और यहाँ से गाइस आप अपने मैनुअल हिसाब से कुछ इतना यहाँ से इरेज करना चाहते हो वो यहाँ से इरेज कर सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको इसको ड्रॉ करना होगा, जहाँ से भी आप इसको इरेज करना चाहते हो वहाँ से कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना होगा सिंपली। और देखिए गाइस जहाँ से भी आपका एक्स्ट्रा इरेज हो रहा है तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर देखिए रिपेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और जहाँ से आपका एक्स्ट्रा रिमूव हो गया पार्ट उसको आप यहाँ से वापस भी ला सकते हो। तो इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर देखिए का साइज है जो कुछ इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हो, आपको जितना साइज चाहिए कुछ इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हो। तो सिंपली गाइस हम सबसे पहले यहाँ पर ऑटो पे जाकर कुछ इस तरह से अपने पिक्चर को सबसे पहले यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, बेसिक इरेज है जो बड़ा वाला है उसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं और फिर गाइस मैजिक पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से आप उसको यहाँ पर इरेज कर लेना है। आई होप गाइज आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप कुछ इस तरह से इसको यहाँ से इरेज कर सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ही कमाल का ऐप है और गाइज बहुत सारे लोग हैं जो इसी से इरेज करते हैं अपना PNG इमेज बनाते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए पहला तरीके मैंने आपको बता दिया है, आप समझ सकते हो गाइज कुछ इस तरह से आप इसको इरेज कर सकते हो, सभी टूल है मैंने आपको समझा दिया है बराबर से। गाइज वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, मेरा मोटिव गाइज आपको सिर्फ बताना नहीं है, आपको पूरा एकदम क्लियर समझाना है और सिखाना है गाइज, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करते रहिए। तो गाइज कुछ इस तरह से आपको सिंपली यहाँ से आप अपना PNG इमेज बना सकते हो और गाइज डन पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर सिंपली सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करने और यहाँ पर सेव कर सकते हो। और फिर गाइस आपको कुछ इस तरह से इरेज करना नहीं आ रहा है तो गाइस सिंपली बैक आना है और गाइस अपने क्रोम ब्राउजर को गाइस इसको ओपन कर लेना है। और गाइस अब आपको मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, ये गाइस बहुत ही ईजी है, आप आसानी से अपना पिक्चर इरेज कर सकते हो। इस ट्रिक को फॉलो कर सिंपली गाइस क्रोम ब्राउजर में आने के बाद गाइस आपको ऊपर सर्च बार है यहाँ पर आपको टाइप करना है remove.bg, आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो गाइस देखिए इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जिससे गाइस आप डायरेक्ट इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो देखिए गाइस remove.bg आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है, मेरा पहले से किया हुआ है, तो इसको गाइस सिंपली सर्च कर देना है।
तो देखिएगा कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए अपलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए गाइस हमारी गैलरी में जो सभी इमेज हैं जो यहाँ पर आ जाएगी, तो सिंपली गाइस आपको उस इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो और जिस पिक्चर को आप पीएनजी इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो गाइस आपको पिक्चर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर नहीं आ रहा है तो गाइस यहाँ पर देखिए ब्राउज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस अब आप यहाँ पर देखिए अपनी गैलरी से जो भी पिक्चर को रिमूव करना चाहते हो उसको गाइस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है उस पिक्चर को। तो देखिए गाइस कुछ इस तरह से हमारी पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और कुछ इस प्रकार से हमारी पिक्चर का पीएनजी इमेज है जो बनकर आ जाएगा। तो देखिए गाइस हमारी पिक्चर का जो भी बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है और हमारा पीएनजी इमेज आ चुका है। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और हमारी पिक्चर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से आप अपना क्लियर HD PNG इमेज बना सकते हो। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया है कि आप कुछ इस तरह से अपना PNG इमेज बना सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और गाइस आगे आपको किस वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।